पॉकीमोन के 7 जनरेशन यानी कि अलोला में हमें कुछ यूनिक क्रिएचर्स दिखाए गए थे जिसे हम लोग अल्ट्रा बीस्ट कहते हैं। टोटल तो 11 अल्ट्रा बीस्ट है, पर उनमें सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट गेट स्टार्टेड। बिल्कुल इस लिस्ट को मैंने अल्ट्रा बीस्ट के स्टैट्स, मूव्स और टाइप रेजिस्टेंस को देख के बनाया है, तो बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना क्योंकि ये मेरी लिस्ट होने वाली है। नंबर 5 पे आता है सेलेस्टीला। इसकी स्टैट्स बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है, बस की स्पीड थोड़ी सी कम है, बट ये फायर और एक्टर टाइप को छोड़ के बाकी सभी टाइप पे इफेक्टिव होता है। इसकी मूवसेट भी अच्छी है पर उतनी भी अच्छी नहीं, लेकिन इसकी अगर मूवसेट और भी अच्छी होती तो नंबर 5 पे नहीं और भी ऊपर आ सकता था। नंबर 4 पे आते कार्टाना। ये फायर टाइप के सामने बहुत ही वीक है, पर बाकी सारी टाइप्स के सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसकी अटैक की स्टैट्स तो बहुत ही ज़्यादा है, वहीं पे स्पेशल डिफेंस बहुत कम है। इसके पास ग्रीटोन जैसा एक मूव है जो दूसरे पॉकीमोन को एक बार में फेंट कर सकते हैं, पर कोई भी पॉकीमोन अगर इसका एक मूव भी सह रहता है तो वो कार्टाना को एक फिजिकल अटैक से फेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास स्पेशल डिफेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। पर इसकी मूवसेट भी काफ़ी अच्छी है, ग्रीटोन के साथ से इसके पास और भी अच्छी मूव्स है, इसी के कारण ये आता है नंबर 4 पे। नंबर 3 पे आता निहिलेगो। ये कुछ टाइप के सामने वीक है पर बहुत सारे टाइप के सामने ही इफेक्टिव भी है। इसकी मूवसेट तो बहुत ही अमेजिंग है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। इसके बेस स्टैट्स में अटैक और डिफेंस थोड़ी से कम है, लेकिन इसके बदले स्पेशल अटैक को स्पेशल डिफेंस इसके वीकनेसेस को कवर कर लेती है। मूव्स भी इसकी बहुत ही दमदार है, इसी सब मूव्स के कारण ये आता है नंबर 3 पे। नंबर 2 पे आता है फर्मोसा। और इसकी स्टैट्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी स्टैट्स है, कम डिफेंस को हटा दे, लेकिन पता है क्या, ये सबसे फास्टेस्ट फायर टाइप पॉकीमॉन भी है। और इसके पॉकीडेक्स एंट्री में ये बताया गया है कि ये पॉकीमॉन पूरे वर्म होल को, अल्ट्रा वर्म होल को पावर सप्लाई करते हैं। इसके ल्यून्स जैसे कुछ मूव्स है जो इसको और भी खास बनाते हैं, और इसी सब के कारण डिजर्व करते हैं नंबर 2 का स्पॉट। सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट अल्ट्रा बीस्ट है नागानाइल। इसकी अटैक ना ज़्यादा अच्छी है ना डिफेंस, पर यही कमजोरी इसकी ताकत बनती है, क्योंकि इसके स्टैट्स इसी सब के कारण बैलेंस होते हैं, और स्पेशल अटैक तो बहुत ही डेंजरस हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा। इसके पास कम मूव्स, लेकिन जितने भी मूव्स है कमाल के मूव्स है। नागानाइल ह्यूमंस के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, इसी सब के कारण ये इसकी ये स्पेशलिटी के कारण ये बनता है बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट अल्ट्रा बीस्ट। तुम लोगों को कौन सा अल्ट्रा बीस्ट सबसे बेस्ट लगता है मुझे कमेंट्स में बोलना, और मैं डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना, और एक शेयर तो बनता है इसके लिए। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।